नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। बर्मिंघम में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन के मुकाबले चल रहे हैं। भारत ने बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। नीतू घंगास ने 48 किलोग्राम और अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम में अपनी अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। वहीं फाइनल में नीतू ने इंग्लैंड की डेमी जेड को 5-0 से हराया और अमित ने इंग्लैंड के खिलाड़ी को 5-0 से मात दी। भारत के 2 और मुक्केबाज निखत जरीन और सागर अहलावत भी गोल्ड के लिए पंच जमाने वाले हैं। वहीं निखत की फाइनल बाउट शाम 7 बजे तो सागर का मुकाबला देर रात 1:15 पर शुरू होगा। आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। उसने कड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराया। निर्धारित समय में मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा था। ये इन गेम्स में भारत का महिला हॉकी में पहला ब्रॉन्ज है। टीम ने अब तक 1 गोल्ड 2002 और 1 सिल्वर 2006 में जीता था। वहीं भारत की पीवी सिंधु फाइनल में पहुंच गई हैं। जी हां, सिंधु ने विमेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में सिंगापुर की जिया मीन यो को 21-19, 21-17 से हराया और मेंस सिंगल्स में इस समय लक्ष्य सेन का मुकाबला जारी है। ट्रिपल जंप में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। भारत के एल्ड हाउस पोल और अब्दुल्ला ने शुरुआती 2 स्थानों में जगह बनाई है। एल्ड हाउस ने 17.03 मीटर की दूरी तय करने के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अब्दुल्ला ने 17.02 मीटर की दूरी तय करने के साथ ही रजत पदक पर कब्जा कर लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत अब तक 46 पदक जीत चुका है। इसमें 16 स्वर्ण, 12 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।